students, welcome to all. Students, today we are going to start word problems, okay? First, a vendor sold 54 mangoes on Monday. Vendor means what? A person who's selling something. जो बेचने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? Vendor बोलते हैं, okay? उसने 54 mangoes Monday को बेच दिए, okay? And 72 mangoes on Tuesday. और Tuesday को कितनी बेचे? 72 बेचे. So how many more mangoes were sold on Tuesday as compared as Monday? So उसने Tuesday को कितने ज़्यादा mangoes बेचे Monday के compare? मतलब Monday से Monday को उसने 54 बेचे थे और Tuesday को 72. तो Tuesday को उसने कितने ज़्यादा आम बिके, कितने ज़्यादा mangoes बिके? ये हमें क्या करना है? निकालना है, okay? So यहाँ पे क्या करेंगे हम? या सब्ट्रैक्शन करेंगे. Tuesday को कितने बेचे उसने? 72, ओके. माइनस मंडे को कितने बेचे थे? 54. अगर हम इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यस, उसने कितने ज्यादा मैंगो बेचे थे ट्यूजडे को मंडे के अकॉर्डिंग, ओके. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट वंस फर्स्ट, ओके. 2 माइनस 4. स्टूडेंट, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 वंस फ्रॉम 2 वंस. सो हमें क्या करना है? यस, वी विल बोरो 1 टेंस फ्रॉम टेंस कॉलम. यहां से हमने 1 टेन क्या किया? बोरो कर लिया, ओके. 7 टेंस माइनस 1 टेंस बिकेम 7 बिकेम 6 टेंस, ओके. 1 टेन एंड 2 वंस इज इक्वल टू 12, ओके. 12 माइनस 4. सो 12 में से 4 गए तो कितने बचे स्टूडेंट? करो काउंट करो. यस, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, ओके. 8. देन सबट्रैक्ट करो 6 माइनस 5. 6 में से 5 गए तो कितने बचे? 1, ओके. सो वेंडर ने 18 मैंगोज ज्यादा बेचे कब? ट्यूसडे को, ओके. सो आंसर क्या आया हमारा? 18. है ना सिंपल? आपको क्या करना है? पहले वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से रीड करना है, ओके. देन आपको अच्छे से नंबर्स में राइट करना है, कॉलम ड्रॉ करके और बाद में सॉल्व करना है, ओके. सेकंड, 60 स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर स्कूल ट्रिप. 60 स्टूडेंट ने स्कूल ट्रिप के लिए, अगर आपकी स्कूल की ट्रिप जाती है तो आप तैयारी दिखाते हो ना, आप नेम देते हो ना, तो 60 स्टूडेंट्स ने टीचर्स के पास क्या दिए? स्कूल ट्रिप के लिए नेम दिए, ओके. 42 स्टूडेंट्स का नाम फॉर द ट्रिप, और 42 ट्रिप के लिए तैयार हुए और ट्रिप तो जाने लगे. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गो? कितने स्टूडेंट नहीं गए? टोटल कितने थे? 60, जिन्होंने नेम दिए थे, जो पार्टिसिपेट करने वाले थे ट्रिप में. माइनस टर्न अप फॉर द ट्रिप, ट्रिप को कितने जाने वाले हैं? 42 माइनस 42, और हमें क्या निकालना है? कितने नहीं गए, ओके. अब हम इनकी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. 0 माइनस 2. सो स्टूडेंट, कैन यू सब्ट्रैक्ट 0 और 2 वंस फ्रॉम 0 वंस? नो, ओके. 0 वंस में से 2 वंस जाएगा क्या? नहीं जाएगा. दैट्स व्हाई वी विल बोरो 1 टेंस फ्रॉम टेंस कॉलम. 6 टेंस बिकम 5 टेंस. 6 टेंस में से 1 टेन हमने बोरो कर लिया, तो कितने टेंस बचे? 5 टेंस बचे. वेरी गुड. 1 टेंस एंड 0 वंस इज इक्वल टू 10, ओके. नाउ हम क्या करेंगे? इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे. 10 माइनस 2 हाउ मेनी? यस, 10 माइनस 2 8. देन 5 माइनस 4. 5 में से 4 चले गए तो कितने बचे? 1. सो 18 स्टूडेंट ट्रिप को नहीं गए. है ना सिंपल? तो स्टूडेंट, हमने आज ये वर्ड प्रॉब्लम देखे. आपके टेक्स्ट बुक में और कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, वो भी हम देखने वाले हैं, ओके. स्टूडेंट, ओपन द पेज नंबर 38. हम क्या देख रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके. जो हमारे बुक में दिया है वो मैं आपको पहले एक समझाती हूँ. वो शॉपकीपर बॉट 67 फ्रूट जूस पैक्स एंड सोल्ड 45 ऑफ देम. हाउ मेनी जूस पैक्स वी आर लेफ्ट विथ हिम?
शॉपकीपर ने क्या किए, 67 जूस के पैकेट्स खरीदे. कितने खरीदे? 67. और कितने बेचे? 45. तो उसके पास अब कितने पैकेट्स लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, 67 में से माइनस 45 करेंगे. ओके, सो यहाँ पे 7 में से 5 गया है, देखो कितने बचे हैं, 2. और 6 में से 4 गए हैं, तो कितने बचे हैं, 2. ओके, अब ये आपको ऑलरेडी दिया है. और प्रैक्टिस कोच में से एग्जांपल नंबर 1 और 2 मैंने सॉल्व करके दिया है, तो ये एग्जांपल नंबर 3 आपको सॉल्व करना है. आप क्या करोगे, आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक लेके क्लास वर्क और डेट डालोगे अच्छे से, उस पर ये राइट करोगे, बॉक्स ड्रॉ करोगे, फिर ये सॉल्व करना है. ओके, एग्जांपल क्या है मैं आपको समझा के देती हूँ. ओके, आरओ हैज 90 शेल्स. आरओ के पास क्या थे, 90 शेल्स थे. आपको शेल्स पता है? यस, शंख. ओके, ही गिव्स 66 शेल्स टू हिज सिस्टर. और उसने 66 शेल्स उसके सिस्टर को दे दिए. ओके, हाउ मेनी शेल्स आर स्टिल लेफ्ट विथ हिम. अब उसके पास कितने बचे, पहले कितने थे, 90 थे. ओके, 90 में से कितने निकल गए, यस 66 उसने उसकी सिस्टर को दे दिए. और कितने उसके पास है, ये क्या करना है आपको, निकालना है सब्ट्रैक्शन करके. ओके, करोगे ना. शिवम बॉट अ पैक ऑफ कलर्ड पेंसिल. शिवम ने क्या लिया, एक कलर्ड पेंसिल का पैक लिया. द शॉपकीपर आस्क फॉर ₹13. शॉपकीपर ने उसको ₹13 बोले, ₹13 के लिए पूछा. शिवम गेव हिम 30 बाय मिस्टेक्स. उसने क्या किया, ₹13 की जगह वो बॉक्स की कीमत क्या दे दी शॉपकीपर को, ₹30 दे दी. 13 के जगह ₹30 दे दी बाय मिस्टेक. ओके, सो हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डिड ही गिव टू द शॉपकीपर. तो शिवम ने शॉपकीपर को कितने एक्स्ट्रा मनी दिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 माइनस 13. ओके, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है. नीचे देखो क्या दिया है, द शॉपकीपर रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू शिवम इमीजिएटली. लेकिन वो शॉपकीपर ने जो एक्स्ट्रा मनी थे शिवम ने दिए हुए, वो क्या किए, इमीजिएटली लौटा दिए. विच ह्यूमन वैल्यू वॉज शोन बाय द शॉपकीपर. तो अगर आप किसी की चीज़ आपके पास रह जाती है और आप इमीजिएटली उसको लौटा देते हो, तो आप में क्या दिखाई देता है, कौन सी ह्यूमन वैल्यू आप में होती है, कौन सी गुड हैबिट आप में होती है? यस, हॉनेस्टी. तो शॉपकीपर क्या था, हॉनेस्ट था. आप इसमें से क्या गेस लगा सकते हो, यस शॉपकीपर हॉनेस्ट था. हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, तो हमें हमेशा हॉनेस्ट रहना चाहिए. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सॉल्व करनी है. ओके, देन नीचे देखो, फन विथ मैथ्स में क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑन द टॉप फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट द डिफरेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड. सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम, आपको क्या करना है, 48 में से 28 माइनस करना है, 51 में से भी 28 माइनस करना है, 73 में से भी 28 माइनस करना है. ओके, इन नंबर्स में से क्या करना है आपको, 28 माइनस करना है. और यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर डिफरेंस लिखना है. और सेकेंड कॉलम भी सेम है, सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम दीज नंबर्स. ये जो सब नंबर्स है इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 34, और यहाँ पे आया हुआ डिफरेंस राइट करोगे. ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, यस ये थर्ड नंबर का वर्ड प्रॉब्लम और ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी नोटबुक में सॉल्व करना है, और साथ में ये एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं. ओके, करोगे ना. ओके स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय.